बिल्कुल करीब पे सुबह की और अभी देवराज स्पोर्टिंग टॉस के जरिए इस मुकाम पर पहुंचा है। शुरुआत हो चुका है। दोनों ही टीमों की अगर बात करें, विशाल जो फर्स्ट राउंड में खेल का प्रदर्शन किया था, एक आक्रामक शैली आक्रामक तेवर में खेल का प्रदर्शन हुआ था, इस बार फिर से एक बार दूर से लेकर शूटिंग छूटा गेंद गोलकीपर के कब्जे से, पर लाभ नहीं मिलेगा। ये एक अच्छी का एक अच्छा रणनीति है, ये तारीफ करनी होगी। जब भी शुरुआत हो जाता है, शुरुआती क्षण में हर एक टीमों को चकमा देने का प्रयास करते हैं, परंतु हर बार सफल नहीं हो पाते। ये देखने को मिला है उनकी खासियत है, ये है सहनवाज। आज काफी ब्रॉज किया, अच्छा खासा रोलिंग भी दिए गए, पर इस बार भी स्कोर को छूने में असफल रहा। अच्छा खासा पर आपने नाम कर चुका है, परंतु इसमें संतुष्ट होने वाला नहीं है। पर देखना होगा कौन सी टीम को, एक को तो संतुष्ट होना अनिवार्य है, 20,000 की इनामी राशि में ही अपना महत्वाकांक्षा को समेटना होगा इसी 20,000। जयपाल जबाराम जैसे धुरंधर खिलाड़ी मौजूद है इस टीम में। सटीक जगह पर रिलीज करने में सफल हुए थे, परंतु मनोज अपना पैर अड़ाए, टकराने दिया गेंद को। विकल्प ढूंढने की तलाश यहां पर की जा रही है। सटीक जगह पर रिलीज हुआ, तुरंत रिलीज हुआ, वन टू वन पास, अच्छा मौका फिर से एक बार। थोड़ा सा जल्दबाजी दिखाया वहां पर खिलाड़ी, वक्त ले सकते थे, थोड़ा सा वक्त था उनके पास, उसका इस्तेमाल करना चाहिए था। जल्दबाजी दिखाई जिसका लाभ मिला अगेंस्ट टीम को। बैगरा की पैरों से गेंद निकली राइट विंगर के लिए, विकल्प की तलाश करती हुई खिलाड़ी बैक पास किया, अच्छा खासा शूटिंग, परंतु कोई खिलाड़ी बिल्कुल करीब पे सुबार किसी तरह से निराशा का हाथ फिर से एक बार। शाहनवाज कॉल आता हुआ किमसा पुटा, इसका मतलब कितने भरोसेमंद खिलाड़ी है शाहनवाज साफ प्रतीत होता हुआ। और हो भी क्यों ना, कमाल का खेल खेला आज, पहले चक्र में दो दो गोल लग चुका है ये शाहनवाज। अब देखना होगा अपने कंधों पर दारोमदार। बैक पास शाहनवाज के द्वारा, अनोखा प्ले स्किल, हर एक खिलाड़ी कमाल का पैनापान। शाहनवाज फिर से एक बार पैर में गेंद आते ही एक जुट पूर्ण मैच। इनामी राशि का काफी अंतर है अगर दोनों टीमों के हार और जीत की तुलना की जाए। इस बार जयपाल गेंद के साथ आगे बढ़ा है, मानो ये विजयी गोल दागने की फिराक में। ताबड़तोड़ शूटिंग करने का प्रयास, कुछ खास लाभ नहीं मिलेगा। अच्छा मौका गवा चुका है कुल मिलाकर देवनाथ स्पोर्टिंग। अब जाके हालांकि दोनों ही टीम 20,000 हाथ लग चुका है। मतांतर के बाद ये विशाल थोड़ी जल्दबाजी से ली गई थ्रो इन, क्योंकि जानते हैं ज्यादा वक्त नहीं है इस मैच में। दूर से लिए गए खतरनाक शूटिंग,
परंतु गोलकीपर को संभालने में वक्त मिला, इत्मीनान के साथ किसी भी कोई जल्दबाजी नहीं किया और अपने कब्जे में लिया गेंद को बिल्कुल सुरक्षित तरीके से। मौका बनाने के प्रयास, बिल्कुल सटीक जगह पर रिलीज करने के प्रयास, परंतु गेंद पहुंचाने में असफल रहा। उसका लाभ मिलेगा अगेंस्ट टीम को, यानी बाबा स्पोर्टिंग के खिलाड़ी को। परेशान किया यहां पर अच्छा खासा। मतदंतर के बाद की अगर बात करें बाबा स्पोर्टिंग को, एक नए जोश और उत्साह का साथ सभी खिलाड़ी। मनोज का क्लियर है, अंतिम सफर में फिर से एक बार बता दूं, ग्रुप बी यानी कुल 12 टीम लेकर काल आप सब के समक्ष रूबरू होंगे। आप सब से मैं बता दूं काल के शेड्यूल के बारे में, लेखा जोखा जिन सारी टीमों का अभिनंदन होना इस टूर्नामेंट के दौरान अंतिम दिन में। जेबीएससी बनाबाई जी इस गोरगोरा के बीच खेला जाएगा, जोहर वर्सेस कार्तिक स्पोर्टिंग, अयोध्या स्पोर्टिंग वर्सेस धलमुंग एफसी, लवली स्पोर्टिंग एफसी वर्सेस गणेश चंद्र स्पोर्टिंग, मदनावर एफसी वर्सेस गोलू स्पोर्टिंग, ये सारे टीमों का भिड़ंत होना है काल यानी अंतिम दिन में। सारे टीम अगर कोई अभी वर्तमान स्थिति की अगर बात करें, सुंदर सा माहौल क्रिएट हुआ है इस फुटबॉल की खूबसूरत वातावरण में। ये शानवाज थोड़ा गति में ज्यादा हुआ, विशाल मौजूद है, तेज गति के साथ आगे बढ़ा था, सब कुछ दांव पे लगाता हुआ शानवाज यहाँ पर कुछ जान को जोखिम में डालते हुए शानवाज जिस रफ्तार से आगे बढ़ा था इस बार। विशाल वक्त ढूंढने का साथी ढूंढने में सफल हुआ इस बार शानवाज को ढूंढने के प्रयास हुआ था पर सफल नहीं हुआ। हमारे दर्शक हौसला अफजाई करते हुए सभी खिलाड़ी बंधुओं का, और हो भी क्यों ना, एक रोमांचक खेल चलता हुआ आज का अंतिम सफर। विशाल गेंद के साथ शाहनवाज को ढूंढने की प्रयास किया जा रहा है यहाँ पर विशाल के द्वारा। देखना होगा क्रॉस के लिए जाना चाहते थे परंतु रोका गया उन्हें, मौका नहीं क्रॉस के लिए, ये कैसे बना जाए और कल सर्वोच्च खिताबी जंग के लिए अपने आपको स्थापित किया जाए। विशाल बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर एक आखिरी प्रयास, देखना होगा ये प्रयास किस हद तक कारगर साबित हो सकता है। देवनाथ स्पोर्टिंग की अगर बात करें तो थोड़ी सी अंतिम पड़ाव पर ढील देती हुई प्रतीत हो रहा है, दिशा देने में सफल रहा इस बार की ओर से गोल की। अच्छा हेडर चंदन के द्वारा, अच्छा चैलेंज यहां पर, यह है शाहनवाज आज का सबसे प्रभावशाली खिलाड़ी कहने से गलत नहीं होगा। समूह